नमस्ते फ्रेंड्स, ये रंगोली आर्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी देख सकते हो कि ठंडी का माहौल है और हम सुबह बहुत जल्दी घर से निकले हैं रंगोली बनाने के लिए। मैं और जीतू सर, हम दोनों भी यहाँ पर हैं। रंगोली वेडिंग के लिए हम यहाँ पर ये बनाने वाले हैं। रंगोली को अंत तक जरूर देखिए। कलर्स आप जो दे रहे हो ये हल्की सा अगर बाहर जाते हैं आपके बॉर्डर के तो इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमेशा कोशिश यही कीजिए कि अच्छे से मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग होने के बाद जहाँ पर आपने कलर शेड दिया है वहाँ पर कलर शेड आराम से कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत अगर बाहर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बॉर्डर करने के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सरपरिशा होता है या बॉर्डर लाइन होती है, एक जाड़ी रान भी आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें ज़रूर है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, काफ़ी डिटेल्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आई होप आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिए। काफ़ी प्लेलिस्ट है फ्री हैंड डिज़ाइन के लिए जो इटा रंगोली आर्ट फेमस है, वो भी आप देख सकते हो। बहुत चीज़ें हैं कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, काफ़ी चीज़ें हमने बताने की कोशिश की है और ये काफ़ी चीज़ें अभी ऑनलाइन के माध्यम से भी ज़रूर सीख सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। चमकी नहीं है, साढ़े चार एक गिलास ना कट कट पांच रेबू से अच्छा करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा तो लगा होगा। ऊपर अभी हल्का सा कुछ ग्रीन कलर का शेड हम करेंगे और यहाँ पर कुछ लाइनिंग भी करेंगे, उससे ये जो गठबंधन हमने यहाँ पर बनाई है काफ़ी बेहतर नज़र आ सकता है। हल्के से कुछ टर्न्स हमने दिए हैं और धोती का एक कुछ शेड होता है वो यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की है। ये बहुत भी काफ़ी अलग से जो शेड होता है वो प्रॉपर कर सकते हैं, लेकिन रंगोली में कुछ ऊपर नीचे ही होना चाहिए ताकि ये और अच्छा नज़र आए। जो ब्राइड होती है, ब्राइड के लिए जो ग्रूम होती है, ग्रूम और ब्राइड दोनों का अलग अलग यहाँ पर जो होते हैं, ये जो एक इकट्ठा गार्ड बांधते हैं बस वो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतरीन जरूर नजर आ रहा होगा। अब जो फ्रेंड्स, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, ऐसी ही अनगिनत चीज़ें आप जरूर चैनल पर देख पाएंगे, चैनल को लाइक जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, नीचे और कुछ एलिमेंट हम बना रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको ये काफ़ी अच्छे से लगने वाला है। हल्का सा अगर कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करते हो ये रंगोली आपकी और ज़्यादा बेहतर नज़र आ सकती है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको सोचनी चाहिए और उसी अकॉर्डिंगली प्लानिंग भी करना चाहिए। मागच्या पार्किंगला बॉर्डर कलर कुठला मारतो बरं का नाही झालं, एक काम कर, जांभळा रंग आणि हिरवा रंग ठेवायचा, जांभळा आणि हिरवा
सब किस तरह हो जाएगा खाली खाली। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है भाई फ्रेंड्स, ऐसे ही अनगिनत रंगोली के क्रिएशन आप यूट्यूब पर जरूर देख पाएंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ आप ये ऑनलाइन के माध्यम से भी जरूर सीख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आपको बस व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप हमारे +99 के बाहर से 8983623472। फिर से रंगोली अभी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है। आई एम श्योर आपने ये रंगोली लाइक भी की होगी और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी किया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि बेहतरीन रंगोली क्रिएशन आप हमेशा देख पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर बस एक ही गलती हुई है, जो सने और चौकड़े हमने जो बनाए हैं, सने ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर हो चुकी है, तो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हल्का सा ये क्रिएटिव चीज़ है तो ये ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए उतने कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो धोती का जो हमने कलर कॉम्बिनेशन है पर इस्तेमाल किया, ये हल्का सा डार्क कलर होना चाहिए था, ये लाइट कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो ये नॉर्मल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कैमरा क्लियरिटी से साइड से ऊपर नीचे लग रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।